अगर मायावती दलित का हित चाहती है तो मायावती ने एनडीए के साथ आना चाहिए, ऐसा मेरा उनको आह्वान है, नम्र आह्वान है। अगर मायावती दलित का हित चाहती है तो मायावती ने एनडीए के साथ आना चाहिए, ऐसा मेरा उनको आह्वान है, नम्र आह्वान है। राजनीति में ऐसे मौके बहुत कम ही सामने आते हैं जब सियासत के साथ वैचारिक विरोधी दल को इस तरह खुला निमंत्रण दिया जाता। इस दौरान मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाली मायावती को न सिर्फ एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया बल्कि ये बात भी समझाने की पूरी कोशिश की कि वो सरकार का हिस्सा बनकर दलितों का किस तरह भला कर सकती है। वैसे देखा जाए तो एनडीए से बसपा का जुड़ाव किसी भी स्तर पर अप्रत्याशित नहीं है क्योंकि इससे पहले भी मायावती कई दफा बीजेपी की उंगली पकड़कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ती रही हैं। लेकिन जैसे जैसे माया का सियासी वजूद बढ़ा उन्होंने बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया और वो दूरी आज इतनी बड़ी तकरार में बदल गई कि बीजेपी को हराने के लिए मायावती ने चिर प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी से तक हाथ मिला लिया। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ वो वजह जो देश की सियासी फलक पर मायावती को वो मजबूती प्रदान करती है जिनके कारण एक मजबूत सरकार भी उनसे सहयोग की अपेक्षा लगाए है। बहुजन समाज पार्टी का देश भर में एक मजबूत और बंधा हुआ वोट बैंक। 2014 के आम चुनाव में बसपा को लगभग 2 करोड़ 40 लाख वोट मिले। सीट भले ही नहीं मिली लेकिन वो मत प्रतिशत में तीसरे नंबर पर रही। सपा के सहयोग के इस मत प्रतिशत का सीटों में बदलना लगभग तय। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी मायावती का खासा प्रभाव कायम। विश्लेषकों के मुताबिक बसपा के बिना कोई भी गठबंधन बेजान साबित होगा। बहरहाल कुछ भी कहा जाए लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आगामी चुनावों में बसपा का एक विशेष प्रभाव रहने वाला है, खासकर जब सरकार की तरफ से ही उसे न्योता मिल रहा हो तो उनकी महत्ता को समझा जा सकता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि चौतरफा खुले दरवाजों के बीच मायावती कौन सा रास्ता चुनना पसंद करती हैं। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। सबको चाहिए माया। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मायावती को एनडीए के साथ आने का ऑफर दिया है और दावा भी किया 2019 में बीजेपी को यूपी में 50 सीटें मिलेंगी और केंद्र में एनडीए की ही सरकार बनेगी। अठावले का बयान उस समय आया है जब देश में विपक्ष एनडीए के खिलाफ एकजुट हो रहा है, सभी की नजर दलित वोटों पर है। यूपी में माया अखिलेश की जोड़ी गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में पहले ही बीजेपी को हरा चुकी है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की बन रही जोड़ी को किसी भी तरह खत्म करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी मायावती के लिए कोई नई पार्टी है, मायावती और बीजेपी यूपी में एक साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं लेकिन अब एक दूसरे के घोर विरोध रहे सपा बसपा एक साथ। ऐसे में अठावले के इस बयान के क्या सियासी मायने हो सकते हैं इस पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे अपने विशेष कार्यक्रम सबको चाहिए माया में। इससे पहले कि इस मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करें उन मेहमानों से आपका परिचय करा दें जो स्टूडियो में हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय द्विवेदी साहब। विनय जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं साजिद अहमद साहब कांग्रेस नेता। साजिद जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं मिलन भार्गव साहब बीजेपी नेता। मिलन बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में हैं शिशुपाल यादव जी सपा नेता। शिशुपाल आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले अब मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ कि मिलन के पास जाऊँ कि वरिष्ठ पत्रकार विनय द्विवेदी जी के पास में। सबसे पहले विनय द्विवेदी जी के पास ही चलते हैं। विनय जी, जिस तरह से कल रामदास अठावले ने खुला निमंत्रण दिया, अभी समझना होगा सोचना होगा कि रामदास अठावले खुद ये न्योता दे रहे हैं या एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ बातचीत हुई होगी, कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा है। इस किस रूप में इस बयान को आप उनको देखते हैं? कि राजनीतिक दल जब भी एक दूसरे के नजदीक जाते हैं जी,
या दूर होते हैं जी, तो उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका जिस चीज की होती है वो होती है जमीनी हकीकत की जी। और बसपा चूंकि उत्तर प्रदेश में बेस पार्टी है और बाकी प्रदेशों में वो पहले की तुलना में बल्कि सिकुड़ी है जी, और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में खुद उसके अस्तित्व का संकट हो वो जो है कुल्हाड़ी में पैर नहीं मारेगी। और ये जो बयान है इसको दूसरे संदर्भों में भी अगर देखोगे तो एनडीए में जब लोग बाहर गए हैं कई लोग, शिवसेना तकरीबन किनारे पे खड़ी है, 2019 में साथ में चुनाव नहीं लड़ने वाली है, ऐसे में मायावती जो है इस तरह का कोई फैसला लेने वाली है नहीं। मुझे लगता है ये अठावले जी जो बयान दिए हैं इसमें जो है बीजेपी के नेताओं की कोई सहमति नहीं होगी, बल्कि एनडीए के अंदर जिस तरीके की अभी स्थितियां हैं पहले की तुलना में उनकी एकता में भी कमजोरी आई है, ऐसे में अठावले अपना वजन बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं ताकि जो है नई संभावनाएं अगर कोई जो है कोई उस तरह का सपना देखता है एनडीए में तो उसके लिए अठावले साहब को महत्व मिल सके। इसके अलावा इस बयान का जमीनी हकीकत पे अगर देखेंगे अभी देश की राजनीति में मायावती के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या जो एनडीए के घटक दल है और उस घटक दल में जो रामदास अठावले की पार्टी है, कहीं ना कहीं अठावले को टेंशन है एनडीए में शामिल होकर कि सरकार बनती है कि नहीं बनती, ये टेंशन की ही बात है कि खुला निमंत्रण दे रहे हैं। देखिए अठावले क्या, बाकी जो उनके सहयोगी हैं, आप देखिए पासवान के बेटे का जो एमपी है उसके बयान, ये आपके आंध्र प्रदेश का जो विवाद पैदा हुआ था उसके बाद से किस तरह के आए थे, जब विशेष राज्य के दर्जे का सवाल आया था तो उनकी मुखरता भी सामने आई थी, एनडीए के दूसरे घटक भी इस चीज को लेके मुखर हुए हैं। दरअसल एनडीए के अंदर ही काम को लेकर बहुत सारी चीजें जो है वो व्यवस्थित नहीं है। अब उसकी वजह ये है कि बीजेपी में जो संगठन के स्तर पर राजनीति के जो तौर तरीके हैं वो अमित शाह जी के आने के बाद बुनियादी तौर पर बदल गए हैं, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के ही अंदर जो है अमित शाह जी को लेके बहुत अच्छी स्थितियां नहीं है जो पुराने लोग हैं उनमें, तो ऐसी स्थिति में अठावले जी के बयान को मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वेटेज देने की जरूरत है। चलिए बहुत ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनय द्विवेदी साहब कह रहे थे, मिलन क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं टेंशन तो है, जिस तरह से तमाम जो विपक्षी दल हैं एक हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जो टेंशन सपा बसपा का गठबंधन है उसको लेकर है, और यही कारण है कि जो आपके एनडीए के घटक दल हैं उनको चिंता सता रही है, और जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे शायद चिंता की ही एक वजह रही कि इस तरह का बयान आया है, बाकी टेंशन है। देखिए मैं विनय, आदरणीय विनय जी की बात की पूर्णतः सहमति जाहिर करता हूँ जी, और जिस प्रकार से रामदास जी ने अपना बयान दिया है वो उनका व्यक्तिगत अभिमत है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कोई लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि वो एनडीए के घटक दल हैं उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसकी एक बैठक में रखेंगे और जो एनडीए के प्रमुख लोग हैं वो तय करेंगे किसको आना है किसको नहीं आना, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है सबका साथ सबका विकास। देखिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास जो भारत का कर रही है उसमें सबका साथ अपेक्षित है, लेकिन हमारी शर्तों पे जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है राष्ट्रवाद प्रमुखता से रखना होगा, व्यक्तिवाद नीचे रखना होगा, यदि इसको छोड़ के कोई यदि राष्ट्रवाद की नीति अपनाने का आता है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है, लेकिन अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, मुझे लगता है इससे कोई सरोकार भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल भी नहीं है, तो इन बातों पर विराम लगाते हुए रामदास जी का एक व्यक्तिगत अभिमत हो सकता है, ये उनका चिंता का विषय, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, लेकिन मिलन एनडी की चिंता तो कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए व्यक्तिगत अभिमत है, मीडिया के पटल पे उन्होंने बयान रखा है, ना कि एनडीए की बैठक में रखा या जो एनडीए के बाकी घटक दल हैं उनके बीच रखा, ये मीडिया के कई बार सवाल जवाब में कई चीजें निकल आती हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जितने भी एनडीए के घटक दल
हैं, कई धीरे धीरे चाहे शिवसेना की बात करें, चाहे हम अन्य दलों की बात, चंद्रबाबू नायडू की बात करें, अन्य दल हैं जो अलग हो रहे हैं, और ऐसे में जितने भी घटक दल अभी हैं उनको कहीं ना कहीं चिंता सता रही है, और यही का परिणाम है सोचना बीजेपी के लिए सोचना होगा 2019 में जाने से पहले। देखिए राजेश जी, मुझे लगता है जो भी एनडीए के घटक दल है वो क्षेत्रीय कहीं ना कहीं राजनीति में अपने बहुमत रखते हैं, अपना अस्तित्व रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजनीति केंद्र की करना है तो सबको सामूहिक लेकर चलना होता है। कोई भी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी होगा, तो हर क्षेत्रीय पार्टी के समन्वय के साथ देश की बागडोर को संभाला जाता है, तो उसमें क्षेत्रीय पार्टियों के अपने एक हित होते हैं। वापस आएंगे आपके पास में, आएंगे साजिद अहमद साहब, कांग्रेस नेता हमारे साथ में है। साजिद जी क्या कहेंगे, जिस तरह से अठावले का बयान आया है, माया कुर्सी की माया है, एक तरफ मायावती हैं, और माया को लेकर चाहे वो ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, अलग अलग घटक जो मिल रहे हैं उनकी बात के, कांग्रेस किस नजरिए से इस पूरे एपिसोड को देखती है? बेविनय भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी। डेफिनेटली ये जो बयान आया है ये बिल्कुल बचकाना बयान है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक खौफ या भय का कहीं वो देखने को मिलता है। ये एनडीए के घटक दल हैं, कोई किसी ने अथराइज वो नहीं है कि जो इनका स्टेटमेंट को कोई उस शक्ल में लिया जाए, लेकिन और रामविलास पासवान जी उनके साथ का जो ग्रुप है उसका हम अगर आकलन करके देखें तो हर बार ये रहा है कि जब उन्होंने देखा कि कहीं सत्ता में इधर से उधर होने की संभावना है तो वो धीरे धीरे उसका माहौल बनाना शुरू कर देते हैं, और एक मौका आता है तो धीरे से वो अपना पटरी अलग चूज करके निकल लेते हैं। यहाँ पर ये जो जिस तरह का इन्होंने बयान दिया है, इस बयान का अगर बारीकी से एनालिसिस करें तो या तो ये बहुत बड़ी घबराहट का प्रतीक है, या फिर ये कि इसको हम ये बिल्कुल पूरी तरह से नकार दें कि इस बयान जो है मतलब एक जो चल रही है चर्चाएं चल रही है उसको देखते हुए दे दिया, क्योंकि ये सब कुछ होना संभव ही नहीं है। आज की जो परिस्थितियों के परिवेश के अंदर अगर हम देखें तो मायावती जी और सपा का जिस तरह से गठबंधन हुआ और जिसका उसको फायदा भी मिला, तो चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, इस वक्त उनको इस फायदे को नजर में रखकर ही आगे के निर्णय लिए जाएंगे, और वो जो निर्णय होंगे उनको वो किसी भी तरह से इस राजनीति से प्रभावित नहीं होंगे कि वो कहें कि साहब बीजेपी के साथ जुड़ जाए या एनडीए के साथ जुड़कर मतलब इलेक्शन लड़े। आई डोंट थिंक मतलब इसमें इस तरफ कोई सोचने को भी तैयार होगा। चलिए शिशुपाल क्या कहेंगे, सेंध लगाने की कोशिश रामदास कर रहे हैं, हालांकि जिस तरह से कह रहे हैं बचकाना बयान है, लेकिन सियासत में सब कुछ जायज है और कभी हल्के में कोई नहीं लेता, और वो भी एक मंत्री का जिस तरह से बयान आया है। सपा किस रूप में देखती है, हालांकि अखिलेश यादव आपके जो सुप्रीमो हैं उन्होंने नाराजगी से लिखो व्यक्त की जिस तरह से अठावले का बयान आया है। देखिए रामदास अठावले जी के इसके पूर्व में भी जो भी वक्तव्य रहे हैं, चाहे वो संसद के हों या संसद के बाहर के हों, कभी भी बहुत गंभीर नहीं रहे हैं। लोग उनको एक तरह से कॉमेडियन के रूप में भी लेते हैं उनके लिए, ठीक है ना। अब ये तो उनके लिए घटक दलों के लिए एनडीए के पूर्व आभास है कि 2019 का जो चुनाव है वो बहुत आसान होता हुआ नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से हम लोग अपनी नैया पार लगाएंगे। इस बात को लेकर इनके चिंता की लकीरें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, और चिंता की लकीरें जब बढ़ेंगी स्वाभाविक सी बात है तो उसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं तो निकलेगी किसी भी रूप में, तो उसका एक्शन रिएक्शन क्या होता है वो समझने का विषय होगा आने वाले समय में। अब इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ पर बोल रहे हैं प्रवक्ता महोदय मिलन भार्गव जी कि जिस तरीके से क्या है जो राष्ट्रवाद सबका साथ सबका विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और जो राष्ट्रवाद की बात करेगा उसको सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और इनके नेतागणों के द्वारा तो ये कहा जाता है कि विपक्ष मुक्त भारत हो, कांग्रेस मुक्त भारत हो, ठीक है ना, और जिस तरीके से हिंदुत्व वाली बात की जाती है, अन्य उनसे दलों से उन धर्म के लोगों से कोई सरोकार नहीं है, इनको सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाली जो पार्टी हो वो इस तरह की बात करती है। आखिर ये राष्ट्रवाद को किस तरह से परिभाषित करते हैं, चलिए उस समझने का विषय, उस परिभाषा को भी समझेंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है शिशुपाल जी कि आपको लगता है कि क्या वाकई मायावती बीजेपी के साथ जा सकती हैं, पहले भी गई हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आज दलितों की जो दुर्दशा है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, जब से केंद्रीय में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो दलितों की जो दुर्दशा है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आज क्या स्थिति
लाकर खड़ी कर दी है, कभी गाय के नाम पर, कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी यात्रा के नाम पर, हर जगह दंगे फैलाए जा रहे हैं, झगड़ा किया जा रहा है, चाहे वो आपके कोठेगांव महाराष्ट्र का मामला हो या उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में जो दुर्घटनाएं घटी है गायों के नाम पर, गौ के नाम पर, दलितों के साथ जो इस तरीके से, मैं बिल्कुल इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आपने भी स्पष्ट किया इस बात को कि दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती जी जब ये जानती हैं कि आज पूरे देश में उत्पीड़न बढ़ा है, तो ये तो इसका जवाब आपको स्वयं मिल जाता है कि किस तरीके से वो इसमें आगे आएंगी या नहीं आएंगी। क्लियर है कि आपके साथ ही रहेंगी। देखिए जब बात, ये तो क्या है, ऊपर के स्तर की बात होती है, ठीक है ना, लेकिन इस बात को समझने की सवाल हो रहा है, आपके साथ इतनी उनके मत विभिन्नता थी, सवाल ही नहीं आ गई। देखिए सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आज देश के साथ में जो विपरीत परिस्थितियां हमने लाकर खड़ा कर दिया है देश को, इसी कारण से अभी जो सहयोगी दल थे, घटक दल थे, वो भी धीरे धीरे बीजेपी से टूटने लगे हैं। 47 में से अभी दो तो बाहर हो चुके हैं, तीसरा इनका भी ये रुझान सामने आ गया है, अब इनका भी एक्शन कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा। तो जो इस तरीके का अब ये बीजेपी में जो बिखराव हो रहा है, एनडीए का जो बिखराव हो रहा है, तो उससे इनकी जो चिंता की लकीरें बढ़ रही है। तमाम तरह के सवाल जिस तरह से हमारे मेहमानों ने खड़े किए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विनय जी क्या कहेंगे, एक तरफ बचकाना बयान कह रहे हैं अठावले जी का, लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं और कहीं ना कहीं मायावती को लेकर, पहले भी मायावती बीजेपी के साथ में रही हैं, क्या सापा को वाकई इस बयान के बाद कोई टेंशन लगता है, आपको कोई टेंशन होगी, और किस तरह से अब देखा जाए मायावती को लेकर कि एक दरवाजा और खुल गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी को कोई टेंशन की जरूरत है और वो होंगे भी नहीं। देखिए जो लोग राजनीति को समझते हैं वो ये बेहतर जानते हैं कि कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, वो सबसे पहले अपने राजनीतिक हितों को संरक्षित करता है और उसी से सारे फैसले होते हैं। अब वर्तमान में जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी जो लोकसभा में अनुपस्थित है, ऐसे में बीएसपी बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल उठता नहीं है, क्योंकि देखिए राजनीति की आप बड़ी विडंबनाओं के उदाहरण दे सकते हैं। बीएसपी बीजेपी के साथ गई है, बिल्कुल गई है, लेकिन बीएसपी सपा के भी साथ रही है और सपा से दुश्मनी के स्तर तक बीएसपी के रिश्ते रहे हैं, ये सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक ताकतवर राजनीतिक हैसियत पाती है, वैसे ये दोनों लोग साथ हो जाते हैं। राजनीति में यही होता है, सदैव होता है। पासवान जैसे लोगों को छोड़ दीजिए कि वो सरकार के साथ रहते हैं, चाहे सरकार जिसकी हो, लेकिन राजनीति में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अपने ही जनाधार के ऊपर पैर रखकर और दूसरे की गोद में बैठने की कोशिश करें। ये आत्मघाती निर्णय होता है और अठावले जी का जो बयान है उसके पीछे जो सोर्सों से आप अगर पता करेंगे तो भी शायद ऐसा कुछ पता लग सकता है। अठावले जी कैबिनेट के अंदर और एनडीए के अंदर जो मुझे लगता है संभावना है कि उनका जो वेटेज है उसको लेके वो चिंतित हैं, क्योंकि उनकी जो पूछ परख है और वर्तमान एनडीए में बीजेपी के लोगों की पूछ परख और दूसरे सहयोगी दलों की जो पूछ परख है उसके फर्क जो हैं, उसी के फर्क की वजह से शायद वो जो है इस तरह के बयान देते हैं, क्योंकि नेताओं के कई बार बयान इस तरह के जब आते हैं तो वो अपनी स्थिति को आकलन कर रहे होते हैं और अपनी स्थिति को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अठावले जी के बयान के अलहदा अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए वाकई एक टेंशन है, 2 करोड़ 40 लाख वोट मिले थे तब 2014 में जब एक मोदी लहर थी, अब 2019 में एक बड़ा, कहा जा सकता है कि एक बड़ा वोट बैंक, जिस तरह से दलित वोट बैंक की बात कर रहे हैं मायावती के साथ में जो होता है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर घबराहट जरूर बीजेपी और एनडीए में है। निश्चित 2019 को लेकर अगर बात करेंगे तो सीधी सी बात यह है कि बीजेपी अभी जहां जहां उसका जो बेस पॉलिटिक्स जो बीजेपी की है हिंदी भाषी बेल्ट में, जहां वहां जो है वो सीटों के मामले में सेचुरेशन पॉइंट पे है। जैसे राजस्थान में 25 में 25, मध्य प्रदेश में 29 में से 27, उत्तर प्रदेश में 80 में से 71, तो अब इससे ज्यादा आप कहां से सीटें लेके आएंगे? तो अगर उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश साथ जाते हैं तो वो सीधी सी बात ये है कि उसका सीधा सफर 36 सीटों पे माने 50% सीट्स पे बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा। और उसके बाद आप मध्य प्रदेश में कितनी सीटें बढ़ा लेंगे? 2 तो आपके पास नहीं है, अगर भूरिया जी की जोड़ लो तो 3 नहीं है आपके पास, राजस्थान में 25 के 25 है। तो ऐसे में जो सीटें इधर कम होंगी वो सीटें बढ़े
रहेंगी कहाँ, ये बड़ा सवाल है। तो बीजेपी के लिए चिंता जो 2019 की है वो ये है कि जो हिंदी बेल्ट में जो सीटें उसकी कम होने वाली हैं, वो सीटें भारत के दूसरे राज्यों में वो कहाँ से मेंटेन करेगी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए स्वाभाविक चिंता की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मायावती और अखिलेश के लिए कोई बड़ी समस्या इसकी वजह से होगी। मिलन, जिस तरह से शिशुपाल ने सवाल खड़े किए और जो बात हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनय द्विवेदी साहब कह रहे थे कि चिंता है, और आप एक टॉप लेवल पर हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, कैसे मैनेज होगा? 2019 का समय अब कम है, घटक दल लगातार नाराज हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ प्लानिंग, चूंकि आप बीजेपी से रिलेटेड हैं, क्या लगता है आपको कुछ कैसे मैनेज होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो भारत में सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सत्ता में आई, लेकिन उन्होंने अपने घटक दलों को उनके मुताबिक जितना हिस्सा हो सकता था उनको सत्ता में कहीं ना कहीं हिस्सा दिया और काम करने का मौका दिया। लेकिन शिशुपाल जी जिस प्रकार से आरोप लगा रहे थे, तो मुझे लगता है उनको अपनी याददाश्त दुरुस्त कर लेना चाहिए। जब उनकी सरकार यूपी में काम करती है तो किस प्रकार सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है, ना कि घटती है। राहुल गांधी को लेकर चलते हैं, हम हाथी को लेकर चल रहे हैं, एक साथ बिहार में गठबंधन की सरकार है, कौन डला रहा है, कौन डला रहा है सांप्रदायिक दंगे, किसके राज्य में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, क्रिकेट और महाराष्ट्र में कोई एक आम माफी चाह रहा है, शिशुपाल उसमें वहां पर शिशुपाल जी के पास वक्त कम है, कौन से शिशुपाल जी साजिद अहमद साहब अगर कुछ कहना चाह रहे हैं वो संक्षेप में, चूंकि शाम 7 बजे से मेरा एक लाइव कार्यक्रम है। साजिद जी, संक्षेप में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये पॉलिटिकल जैसा उनका स्टेटमेंट आया, पॉलिटिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है इस स्टेटमेंट का एनडीए को होने वाला है। जी चलिए, नुकसान एनडीए को होने वाला है, और जिस तरह से रामदास अठावले का बयान आया है, हालांकि कोई गंभीरता से इस बयान को नहीं ले रहा है, लेकिन सियासत में सब कुछ जायज है। आज की चर्चा में हमारे साथ जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार विनय द्विवेदी साहब जुड़े, बहुत शुक्रिया विनय जी आपका, शिशुपाल यादव साहब सपा नेता आपका बहुत शुक्रिया, मिलन भार्गव बीजेपी नेता मिलन आपका बहुत शुक्रिया, और साजिद अहमद साहब कांग्रेस नेता आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर 2019 का जो चुनाव है, निश्चित तौर पर अभी से जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, घमासान धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और देखना होगा कि कौन सा राजनीतिक दल किस तरह की स्ट्रेटजी सामने लाकर 2019 के लिए तैयार होता है। आज की चर्चा में बस इतना ही, न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।